Bosco, my question to you, this side. Kis taraf? Yes, ma'am. My question to you is that she's outdone Chikni Chameli and the other one. What is it? Sheela Ki Jawani. She looks awesome and sexy. That's so. How did you? Good. I mean, the moves are really great. So, what do you have to say about it? I think. What do you how have sorted, to say about? It? How sorted you were beforehand? I think with Katrina we worked for like so many songs, so I have understood the body language and I know what she's comfortable. We didn't want to give a lot of steps, but we just wanted to give the right steps where she'll enjoy it, and she'll kind of just enjoy doing it naturally instead of trying to do 100 steps. So we just said, have fun, just do these 4 steps and enjoy it. So I think that's what is getting translated and styling. I've gone into Anand sir's world. He's really given us the opportunity to explore, and mujhe aisa lag raha hai ki we've explored enough. One second, ladies and gentlemen, wait. शाहरुख सर ने तो अपने ट्विटर अकाउंट पे बता दिया है कि गाने का मतलब क्या है. He said it's the announcement of beauty. इरशाद भाई, अब आप अपने लफ्जों में हम जरा समझाएं. हुस्ने परचम, मतलब ये परचम वर्ड जो है, इट्स वन ऑफ द लेसर यूज्ड वर्ड्स इफ आईड लाइक टू कॉल इट व्हेन इट कम्स टू लिरिक्स इन हिंदी सॉन्ग्स. तो इसका मतलब जरा समझाएं. वेलकम. गुड. हुस्न परचम, एक्चुअली जब भी मैं भले कोई आइटम सॉन्ग हो या पर्टिकुलरली फीमेल रिलेटेड सॉन्ग हो, मैंने हमेशा गर्ल्स को स्ट्रेंथ देने की कोशिश की है अपने गानों में. हमेशा उनको एक रुतबा देने की कोशिश की है ना. अभी तक क्या होता है जनरली के गानों में हुस्न को बड़ा नाजुक, बड़ा ऐसा ही ओके डेलिकेट. बट ओके फाइन, वो डेलिकेट है, पर उसमें दम भी है यार. उसमें दमखम है, उसका अपना एक रुतबा है, अपना एक मकाम है, अपना एक एटीट्यूड है. वो सारा एटीट्यूड, वो सारा दमखम, वो सारा रुतबा मैंने हुस्न परचम में कि हुस्न ब्यूटी इज लाइक ए फ्लैग मैन. ये रेवोल्यूशन ला सकती है जैसे फ्लैग रेवोल्यूशन ला सकता है. सॉरी मैम, आपने गाने का जिक्र किया था ना, तो मैं बता दूं कि वो गाना भी आई थिंक अजय अतुल को ही क्रेडिट जाएगा. इवन दो इट वाज इन अ डिफरेंट फिल्म, बट चिकनी चमेली बिलोंग्स टू अजय अतुल, एंड नाउ अजय अतुल हैव कंपोज्ड येट अनदर चार्ट बस्टर. आप लोगों के लिए लाइक इज डज इट बिकम इजी कि देयर इज कैटरीना कैफ हु इज गोइंग टू बी डांसिंग इन द सॉन्ग. सो लेट्स जस्ट एम्प अप द सॉन्ग कंप्लीटली. चिकनी चमेली हो गया, अब ये हो गया. जी दरअसल ये गाना जब बन रहा था, जैसे आनंद सर ने कहा, हमने भी इस जोन का गाना कभी ट्राई नहीं किया था, तो हम लोग भी ये गाने में बहुत सीखे हैं. और दूसरी बात, जहाँ तक कैटरीना है, तो यस, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. इतना चिकनी चमेली इतना बड़ा हिट हुआ था, तो उसके बाद सर वो 1.5 घंटे में हिट हो गया था. जी, तो उसके बाद वैसा ही कुछ लाना वो हमारे लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. तो हम लोगों ने बस हमने ब्लाइंडली फॉलो किया है, हमने शाह सर को फॉलो किया है, जो इनपुट थे वैसे बनाने की कोशिश की है, और मुझे लगता है वो कामयाब हो रहा है. और जैसे वो स्क्रीन पे कैटरीना इज लुकिंग, इट्स रियली सिजलिंग, वेरी सिजलिंग. हाय कैटरीना, ऑन योर राइट यह सुहेल. ऑन योर राइट सॉन्ग इज एक्सेलेंट, यू आर लुकिंग वेरी सिजलिंग हॉट सेक्सी, डू यू एग्री? आपने क्या पूछा? You're looking very sizzling. Nee, he wants you to acknowledge the fact that you're hot, sizzling and sexy. I thought he said, do you agree? Yeah. Do you agree? Yeah. We all enjoyed the song. My question is, you have been very lucky. In fact, like in the film, Shah Rukh is very eager to kiss you actually, you know. How, there's a song like where he's kissing you, he gets a kiss from, he kisses you. How much did you enjoy that? Because normally on screen, Shah Rukh doesn't kiss his heroines actually. Wow. Sir, I think I need a minute to appreciate this question. And this was the first. Second time I think. It's like a googly. I told you it was going to be a googly. Jab tak hai jaan mein also you were quite lucky in fact. Like this is the second time. Oh, sir, aap to puri research karke aaye hain. Kisne bola main lucky hu? Wo lucky hai. Sir, do you agree? Yeah, I agree that. Great. Bas fir baat khatam. Okay. Katrina. Deb, on your left. सर मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ. सर फिल्म में शाहरुख खान एक बौने का रोल कर रहे हैं और अनुष्का शर्मा एक विकलांग गर्ल की, आप रियल लाइफ में ऐसे रियलाइज की क्या स्टोरी फिर बनाने का मन बनाया? एक बार रिपीट कर, कुड यू रिपीट योर क्वेश्चन?
फिल्म में शाहरुख खान एक बौने का रोल कर रहे हैं और अनुष्का शर्मा एक विकलांग गर्ल का, तो वही मैं पूछना चाहती हूँ, आप रियल लाइफ में ऐसी स्टोरी रियलाइज किए क्या कि मन बनाया?